एक सब्जेक्ट दिया गया है, वो जो पीछे बैठे हैं, मुझे ये सब्जेक्ट दिया गया है चैलेंज ऑफ चेंज। आप में भी सुनने की हिम्मत होनी चाहिए जितना मुझे बोलने की हिम्मत है, और अगर आपको उसकी सुनने की हिम्मत नहीं है तो ठीक है, मैं आई टेक माई वर्ड बैक। आप बहुत खुश रहें अपनी हालत में, आप कहे चले जाइए बांग्लादेश से कारगिल तक। कारगिल में हमने आपको गर्दन से पकड़ लिया था आपकी फौज को, और आपकी फौज हो रही। अस्सलामुअलैकुम, तशक्कुर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तुबा खज़र हयान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत को बहाल कर दिया है। ये फैसला क्या है और ये फैसले में क्या कहा गया है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाने वाले फौजी जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की सियासी ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं। नाज़रीन, परवेज मुशर्रफ साहब 11 अगस्त 1943 को नई दिल्ली में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद अपने वालिदैन के हमरा पाकिस्तान आ गए। उनके वालिद महकमे खारजा से मुंसलिक थे। परवेज मुशर्रफ साहब ने अपनी इब्तदाई तालीम FC कॉलेज लाहौर से हासिल की और उसके बाद मिलिट्री अकेडमी काकुल से फ़ौज में कमीशन हासिल कर ली। अब बात करते हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब के कारनामों के हवाले से। तो वो इतने बहादुर थे कि जब 20 नवंबर को दहशतगर्दों ने खाना काबा पर कब्ज़ा किया, तो उस वक्त जिन कमांडोज ने दहशतगर्दों के कब्ज़े से खाना काबा को छुड़वाया, उन कमांडोज में जनरल मुशर्रफ साहब भी शामिल थे। इसी के साथ आपको बताएँ कि जनरल साहब को कारगिल का हीरो भी कहा जाता है, क्योंकि मई से जुलाई तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान कारगिल के मकाम पर लड़े जाने वाली जंग में पाकिस्तान ने भारत को बुरी तरह शिकस्त दी थी, और इसके बाद से जनरल साहब को कारगिल का हीरो कह के पुकारा जाने लगा। नाज़रीन, अप्रैल 2002 में बाकायदा फौजी रेफरेंडम के जरिए मुल्क के सदर बनने वाले परवेज मुशर्रफ साहब की सियासी ज़िंदगी को पाकिस्तान की सियासत में एक कलीदी हैसियत हासिल है। नाज़रीन, कराची को पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है, लेकिन कराची वाले ही जानते हैं कि हर दौरे हुकूमत में कराची को किस तरह निगलेक्ट किया जाता है। लेकिन जनरल मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत में कराची की आवाम ने कराची में तामीर और तरक्की विटनेस की। सिर्फ यही नहीं, ख़वातीन को किसी भी माशरे में इंतहाई अहम हैसियत हासिल होती है, और जनरल मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में ही ये कानून पास किया गया था कि पाकिस्तान की असम्बलियों में ख़वातीन जो गिनी चुनी नज़र आती थी उनकी एक नुमाइंदा तादाद होनी चाहिए। और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान की सियासत में किस तरीके से ख़वातीन एक नुमाइंदा तादाद में हमें नज़र आती हैं। किसी भी माशरे की तरक्की के लिए ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका मीडिया मजबूत हो। जनरल मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फाल हुआ और मीडिया को बाकायदा एक इंडस्ट्री की हैसियत हासिल हुई। इससे पहले पाकिस्तान में सहाफत के नाम पर एक ही सरकारी चैनल था, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फाल हुआ तो आप और मैं ये देख रहे हैं कि किस तरीके से मीडिया ने तरक्की की और खबर आवाम तक कितनी जल्दी और कितनी आसानी से पहुंची। तकरीबन एक दहाई तक पाकिस्तान पर हुकूमत करने वाले जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत को पाकिस्तान का बेहतर माशी दौरे हुकूमत समझा जाता है, क्योंकि आपके दौर में ही पाकिस्तान ने माशी तौर पर तरक्की की और पाकिस्तान IMF के कर्ज से तकरीबन निजात हासिल कर चुका था। जनरल मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत में ही नादरा के महकमे को इस्तेवार किया गया, और सिर्फ यही नहीं, मुल्क के दिफाई निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मिज़ाइल टेक्नोलॉजी समेत दीगर दिफाई मंसूबों का आगाज़ किया गया। नया बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ कराया गया, जिस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई, लेकिन उसके फ़ायदों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जनरल मुशर्रफ साहब ने 18 अगस्त 2008 को कौम से ख़िताब करते हुए मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया और उन्हें पूरे एजाज के साथ बैरून मुल्क रवाना कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपनी नासाज तबीयत के बायस अपनी ज़िंदगी का बाकी हिस्सा लंदन और दुबई में गुजारा। जनरल मुशर्रफ साहब पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि वो सेहत का बहाना बनाकर मुल्क से फरार हो चुके हैं, और इसके बाद मुल्क में उन पर कई केसेस किए गए, जिसके बाद उनकी जायदाद जब्त कर ली गई, उनके अकाउंट फ्रीज कर लिए गए और उनके तमाम तर एजाजात उनसे वापस ले लिए गए। सिर्फ यही नहीं, उनकी फांसी का ऑर्डर जारी किया गया और कहा गया कि जनरल मुशर्रफ साहब को डी चौक पर लटकाया जाए। नाज़रीन, आज इस मुकदमे पर दोबारा समाअत हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ साहब की सजाए मौत बहाल कर दी, जबकि उनकी तदफीन तमाम तर फौजी एजाजात के साथ की गई थी। अदालत ने क्या कहा अपने बयान में, आइए आपको सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाते हुए कहा कि साबिक सदर की सजा का फैसला बरकरार रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि परवेज़ मुशर्रफ की वफात हो चुकी है, परवेज़ मुशर्रफ की फैमिली से कोई पैरवी के लिए सामने नहीं आया, हमारे पास परवेज़ मुशर्रफ की अपील ख़त्म कर देने के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है।
नाज़रीन, आप इस फैसले के हवाले से क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।